गांधी विचार पदयात्रा का समापन गुरुवार को सेक्टर 10 पेट्रोल पंप से सेक्टर भ्रमण कर सत्यम बेकरी के सामने मैदान में संपन्न हो गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष सुभद्रा सिंह की अगुवाई में संपन्न हुआ। यात्रा ने कई गांवों में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों से अवगत करवाते हुए उनके सुझाए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया। यात्रा में महात्मा गांधी अमर रहे के गगन भेदी नारे लगाए गए। बाजे गाजे के साथ गांव में यात्रा का स्वागत किया गया। पदयात्रियों द्वारा सभा के माध्यम से ग्रामवासियों को महात्मा गांधी के बताए विचारों से अवगत करवाते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम में प्रमुखता से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप चौबे, दीपक दुबे, तुलसी साहू एवं समस्त ब्लॉक के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांधी विचार पदयात्रा का यह पूरा कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल रहा है। बापू के 185 वर्षगांठ पूरा देश मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पूरे सप्ताह को गांधी विचार पदयात्रा का नाम देकर समर्थन साथियों से जनता के बीच जाने का जो कार्यक्रम बनाया वो पूरी तरीके से सफल रहा। गांधी विचारों को नौजवान पीढ़ी तक समझाने में हम लोग सफल रहे हैं और आज ये इसलिए भी जरूरी है कि गांधी विचार के विरोधी लोग आज दिल्ली की तख्ते तारीख पर बैठे हुए हैं। इसलिए गांधी को जानना, गांधी को समझना, गांधी की आवश्यकता क्यों है पूरी दुनिया को इस बात को फैलाने की आज विचार आवश्यकता है और उस विचार में आज समापन है गांधी पदयात्रा का। 7 दिन तक हम लोग गांधी पदयात्रा किए हैं। इस वर्ष हमारे गांधी जी की 150वीं जयंती रही है। उस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय पदयात्रा गांधी विचार पदयात्रा के नाम से पूरे ब्लॉकों में पदयात्रा निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पर 7 दिन से हम लोग बहुत चले हैं, हर वार्ड में चले हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ तो मेरे में 7 वार्ड हैं, 7 वार्ड में एक एक दिन का रहा है पदयात्रा और काफ़ी संख्या में भीड़ आई और लोग सुने, गांधी के विचारधारा पर चलने की प्रतिज्ञा ली। उसी के तत्वाधान में आज समापन का कार्यक्रम है। मैं सेक्टर 10 के पार्षद हूँ, यहाँ पर आज समापन किया गया है और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं और सभी ने आज संकल्प लिया है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, अहिंसा और सत्य को अपनाकर। तो हमारे गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए जैसे कि हम लोग को मरकाम जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उन्होंने कहा है कि सभी ब्लॉकों में होना चाहिए, तो उसी के तत्वाधान में समापन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी पूर्व विधायक हमारे आदरणीय चौबे जी यहाँ उपस्थित हैं, प्रदीप चौबे भैया, हमारे दीपक भैया यहाँ उपस्थित हैं, दीपक दुबे जी, हमारे श्रीवास्तव जी हिंदी साहित्य के बहुत नाम है उनका, आपके शर्मा जी उपस्थित हैं जामुल से, हमारे आर बी के राव जी 7 दिन तक हमारे साथ पूरा पदयात्रा में शामिल रहे हैं, ऐसे वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, हमारी बहन रुखसाना जी यहाँ उपस्थित है, हमारे पूरे पदाधिकारी जितने भी हैं कांग्रेस के सारे यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश पिल्ले का भी बहुत सहयोग रहा। तो सभी को साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम कभी कभी करने को मिलता है, उनकी याद तो हमेशा रहेगी और उनको हम हमेशा जिंदगी भर नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हम मानते रहेंगे। ऐसे महापुरुष के यहाँ हम लोगों ने जन्म लिया, महात्मा गांधी को एक बार अमर है ही वो, और उनका नारा लगाते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ, महात्मा गांधी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।